डीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम आईटीआई के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर सीएम सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूँ चंदन। सिवान शहर के वीएमएची स्थित अंबेडकर छात्रावास में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। उसमें रहने वाले जो छात्र हैं छात्रावास के, वो तमाम लोग पप्पू चमार के नेतृत्व में आज बिजली विभाग पे पहुँचे और वहाँ पर जाकर के जमकर प्रशासन और विद्युत विभाग के कर्मियों के द्वारा विरोध में नारेबाजी करने लगे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। कई महीनों से हम लोग बिजली जो है नहीं रहती है हम लोगों के कमरे में, और हम लोग किसी तरीके से दीप जला करके पठन पाठन की व्यवस्था करते हैं, और कुछ लोग जो मेन रोड से तार खींच करके और काम चलाते हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे वीएमएची हाई स्कूल अंबेडकर छात्रावास के जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं बिजली विभाग में और वहां पर जाकर के जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि कई बार हम लोगों ने लिखित आवेदन भी दिया है, कई तरह की शिकायत की है, लेकिन आज तक उस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिजली विभाग में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी इनका सुनने वाला कोई नहीं था। इनका कहना है कि जिन अधिकारी से मिलना था वो अधिकारी यहां पर गायब है, तो हम लोग आखिरकार अपनी बातों को किससे कहें? क्या हम लोग का निदान नहीं होगा? क्या हम लोग दलित समाज से आते हैं? हम लोग को अधिकार नहीं है कि बिजली में रहने को और लाइट की सुविधा में मिले सरकार के द्वारा? आइए सुनते हैं कि लोगों का क्या कहना है। मामला क्या है जी? आपका चैनल का स्वागत है, क्योंकि आप हमारे बातों को, हम लोग को दर्द को सुनने के लिए आप आए हैं। लेकिन जितने भी प्रतिनिधि जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के पास हम लोग 2-3 बार गए हैं, वो लोग हम लोगों को दर्द को सुनने वाला नहीं है। चूँकि हम लोग वीएम छात्रावास संख्या अम्बेडकर छात्रावास से आए हैं, वहाँ 4 या 5 छात्रावास हैं, उसमें कॉमन समस्या यह देखी जा रही है कि उसमें हम लोग का बिजली नहीं मिल रही है। वैसे तो हम लोग के लिए यहाँ अधिकार है कि शिक्षा के लिए कि आप लोग, हम लोग अपना उज्जवल भविष्य बनाएं, लेकिन यहाँ को रवैया को देखकर हम लोग को उज्जवल भविष्य नहीं होकर हमको अंधकार भविष्य में लेकर जाया जा रहा है। जैसे कि इसलिए हो रहा है कि हम लोग जब पठन पाठन के लिए आए हैं तो वहाँ हम लोग की बिजली नहीं मिल रही है। अब बिजली नहीं मिलने से हम लोग को अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे कि बिजली नहीं मिल रही है तो हम लोग का अंधकार में पढ़ नहीं सकते हैं, अंधेरे में सारे बच्चे बैठे रहते हैं। उसके बाद होता है कि जब पंखा नहीं चलता है गर्मी में लोग तड़फड़ाते हैं, अब बिजली के न मिलने से हम लोग का आरओ नहीं चलता है, जिससे हम लोग का पानी पीने में दिक्कत होती है। तो हम लोग ना पानी पीने के लिए पानी मिलता है और ना हम लोग का लाइट जलता है, ना हम लोग पढ़ सकें। तो जब हम लोग का जब पानी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग का उज्ज्वल भविष्य कहाँ हो रहा है? हम लोग को तो वहीं हो रहा है। कितने दिनों से ये बिजली समस्या काफ़ी दिनों से है। जैसे हम लोग कल्याण विभाग में कई बार गए हैं, कई बार ऑफिशियल लेटर भी दिए हैं, लेकिन हम लोग को वहाँ यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बाबू आप लोग का समस्या को हम लोग बिजली ऑफिस में दे दिए हैं। ये हम लोग कई बार सुनते सुनते आज हम लोग कहें कि चल के देखा जाए कि यहाँ पर पर्दाफाश होगा कि यहाँ विभाग के लोग गलती है या कि बिजली ऑफिस की गलती है। यहाँ दोनों को कंपेयर किया जाएगा कहाँ गलती है। तो हम लोग के यहाँ एक बच्चा 1 लीटर पानी खरीदता है, उसमें 4 बच्चे बैठकर पीते हैं, और यहाँ कंपटीशन हाई हो रहा है, हम लोग वहाँ बैठकर झक मारते हैं, और आरओ लगा दिया गया है, अब पंखा लगा दिया गया है, और हम लोग ऐसे बैन हाँकते हैं कॉपी किताब से, पढ़ने के लिए मिल नहीं रहा है। यही समस्या को लेकर हम लोग आए हैं। मतलब कि इस डिजिटल युग में भी आप लोग पुराने वाले जी। तो सरकार तो भाई कह रही है कि शिक्षा को बढ़ावा देना है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं,
पूरा जाल बिछा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक दिखावा के लिए करा जा रहा है। हम लोग इतने आदमी आए हैं, काफी दिनों से परेशानी हो रही है, तो कहे ना DWO साहब उनसे कि हमारे पास नहीं आए हैं, उन लोगों के पास तमाम छात्र के लोग गए हैं, वहाँ लिखित आवेदन भी दिए हैं, तो वो लोग ये आश्वासन देते हैं कि हम लोग दे दिए हैं बिजली ऑफिस में, तो हम लोग को लगे चल कर देख लिया जाए यहाँ भी। तो यहाँ हमारे सब सहपाठी लोग आए हैं, हमारे अम्बेडकर छात्रावास के ये सचिव है जो अध्यक्ष के रूप में है, ये लोग भी हाँ, ये हम लोग अपना स्टेटमेंट दिए हैं लिखित रूप से, ताकि हम लोग आगे दिखा सकें इस मुद्दे के लेकर हम लोग बिजली विभाग में आए। लग रहा है आने के बाद से कुछ निदान निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। जी, तो यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि वहाँ प्रतिनिधि से हम लोग मिल रहे हैं, वहाँ देख लिए हैं, अब हमारे साहब सर बताएंगे कि स्टेटमेंट लिए हैं बताएंगे। तो बहुत दिनों से है। जी जी दिनों से है। तो देखिए समस्या, देखिए ये आप देखेंगे, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे ऑलरेडी DM साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं सबसे बड़ा दोषी DM साहब को भी करेंगे कि इसमें इतनी संलिप्तता है DW के, सबसे ज़्यादा अगर कोई गुनहगार है इसमें तो DW साहब हैं। मैंने कहा और DM साहब दलित विरोधी हैं, इसलिए दलित विरोधी हैं कि हम लोग ये लेके फिर आज जा रहे हैं, हम लोग चार बार गए लेकिन चार बार, ये चौथा बार जा रहे हैं पाँचवा बार, लेकिन चार बार में एक बार भी DM साहब नहीं मिले। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जिलाधिकारी को देखकर DM साहब, ऐसे जिलाधिकारी को देखकर सरकार अपनी बदनाम कर रही है, सरकार दलितों की बात कर रही है, सरकार दलित हितैषी की बात कर रही है, और ऐसे जिलाधिकारी को दे रहे जो हमारा विरोधी काम कर रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं DM साहब दलित विरोधी हैं, हमारे बात को सुनना चाहिए ये, और मिलकर सुनना चाहिए या स्वतः अज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। अंदर गए थे किसी अधिकारी ना, अधिकारी से क्या, एक कर्मचारी बात करेगा और क्या होगा ना, एक कर्मचारी से बात क्या करें, ना स्कूटी इंजीनियर है, ना DW एयर चिप्रो नजर, ना स्कूटी में इंजीनियर है, ना DW है, तो फिर हम किससे, ना कोई जई है तो हम किससे बात करेंगे। अब झूठिया साथी लोग कह रहे हैं कि हम बसंतपुर हैं, यहाँ कोई नहीं है, अब या डर के मारे नहीं मिल रहे हैं या ऐसे नहीं मिल रहे हैं। हम लोग आए हैं कि DW जब कह रहे हैं कि सारे हम लोग मांग कर लिए हैं, यहाँ के बिजली विभाग नहीं कर रहा, तो मैं बिजली विभाग से पूछता हूँ कि बिजली विभाग सही है या DW अच्छा है, ये दोनों में तालमेल बढ़ जाएगा ना कि किसकी गलती है। मुझे यहाँ से आने के बाद लगा कि ये दोनों आदमी के मिली भगत है। DW तो खुलियाम कहते हैं आपको जहाँ जाना है जाइए, क्या बोलते हैं, DM साहब को कमीशन देते हैं, उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। यहाँ जो उनको देना होगा, तार देना होगा, उसके लिए पैसा देना होगा, आपको ट्रांसफार्मर के लिए पैसा देना होगा, लेकिन कमीशन के चलते वो लिख के नहीं दे रहे हैं। और बिजली विभाग वाला कमीशन देगा तब वो पैसा अलॉट करेंगे, तब ठेकेदार को मिलेगा, ठेकेदार अपना काम करेगा। एस्टिमेट लगभग है वहाँ, देखिए वहाँ तो कम से कम आपको लग रहा है 150 बच्चे हैं, वहाँ कम 150 बच्चे हैं, वहाँ 150 बच्चे फिलहाल में कहाँ से बिजली व्यवस्था हो रही है कि या फिर ऐसे ही लैंप जला कर ना, ऐसे ही आज मतलब 20 दिन से यही समस्या है, कभी कोई बना दे रहा नहीं तो बेचारा दिन रात बेचारा सोया है, बच्चा अपना पंखा चला कर जी रहा है, पानी भी दूसरे जगह से ले रहा है। जिले का जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है? जनप्रतिनिधि से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन DM साहब को अवगत लेना चाहिए, आपको कह रहा ना चार गो पेपर में निकला है, इनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। केवल दिखावा है, वो भी तेजस्वी यादव की तरह ट्वीट करते हैं, ट्वीट नहीं करते हैं, ट्वीट करते हैं कि हाँ छात्र के समस्याओं के या छात्रावास के जितनी समस्या हो हम दूर करने के काम करेंगे, ये केवल दिखावा करते, वो भी राजनीति करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स करते हैं। कुछ निदान नहीं निकला यहाँ? नहीं, मुझे अभी तक कोई निदान लगने का आसार भी नहीं लग रहा। आगे क्या आप लोग करेंगे? आगे हम लोग फिर ना आगे हम लोग जा रहे हैं, पहले DM साहब से मिलते हैं, फिर DM साहब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इस पर हम लोग देख लेते हैं, फिर आपके आपसे आग्रह है कि अभी वहाँ चल के देख लेंगे DM साहब मिलते हैं कि नहीं, शॉर्ट आउट होगा तो हम लोग DM साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, यही अब आखिरी तो यही रास्ता निकल गया है, यही काम करेंगे। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।
अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, साथी हॉस्पिटल बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर चकिया रोड यदुवंशी नगर सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618